हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू, आप सभी का दोस्त। आज के इस वीडियो में हम आईटीआई के हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे करेंगे। ये वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो पुराने क्वेश्चन पेपर्स और नेमी के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। ये प्रश्न सिर्फ आईटीआई नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। घेंगा जो रोग होता है इसे इंग्लिश में हम गोइटर डिजीज बोलते हैं। यह जो बीमारी होती है ये हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसकी कमी से हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि होती है वह बढ़ने लगती है, उसका साइज बढ़ जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है, जिस तरह से व्यक्ति का जो गला है उसमें सूजन दिखाई देने लगती है। दूसरा प्रश्न है एड्स दिवस। तो एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, स्कर्वी रोग विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। तो जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है और जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। स्कर्वी रोग में व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, स्किन पे छाले पड़ने लगते हैं। इसके अलावा होठ और आंखों के जो किनारे होते हैं उनमें दरारें आती हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो पानी में घुलते हैं, दूसरे होते हैं जो फैट में घुलते हैं, और ये इन दो स्रोत के माध्यम से ही हमारे शरीर में कंज्यूम होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही है। जो विटामिन के होता है वो फैट सोल्यूबल है, यानी कि आपने विटामिन के खाया, अगर आपने फैट नहीं लिया तो आपके शरीर में विटामिन के नहीं जाएगा, वो एज इट इज आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए जो फैट होता है उसकी भी हमारे शरीर को जरूरत होती है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक में एक वर्ड है कीड़ा, ठीक है ना। जैसे मैं हिंदी में लिखूं कीड़ा, तो यहाँ पे जो कीड़ा है उसको मैं इस तरह से लिखूंगा KID और A। ऐसे तो ये इस तरह से होगा KIDA, लेकिन I नाम का कोई विटामिन नहीं होता है तो I के स्थान पर मैं यहाँ पे E लिख दूंगा। तो यहाँ पे विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये चारों के चारों जो विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा बचे हुए जितने भी विटामिन हैं, विटामिन C, विटामिन B, वो सभी आपके पानी में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे आप इस KEDA इस शब्द को याद रखिए, कीड़ा। पांचवा प्रश्न है, स्मोकिंग में कोज कैंसर ऑफ। धूम्रपान से डैश का कैंसर होता है। तो धूम्रपान से हमारे फेफड़ों का कैंसर होता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पतला रोग कहा जाता है। तो जो एड्स की बीमारी होती है उसे पतला रोग कहते हैं, क्योंकि एड्स जब व्यक्ति को हो जाता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरोध तंत्र है, जो हमें बीमारियों से बचाता है, कमजोर होने लगता है। और जब व्यक्ति को एड्स होता है तो उसकी मौत एड्स से नहीं होती है बल्कि किसी और बीमारी से होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति को कभी खांसी हो जाती है, कभी बुखार हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। तो छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की भी हमारे शरीर में क्षमता नहीं रहती है और इसमें व्यक्ति काफी कमजोर हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है, इसीलिए इसे पतला रोग कहते हैं। सातवां प्रश्न है, रक्तस्राव रोग डैश की कमी के कारण होता है। ब्लीडिंग डिजीज होती है, जिसमें जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गई, हल्की फुल्की चोट लगी, तो आपने देखा होगा कुछ समय के बाद, जैसे कोई हल्की खरोच है तो कुछ समय के बाद वहां पे जो खून है वो अपने आप बहना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा नहीं होता है, उनमें खून लगातार बहता रहता है। जिन लोगों में खून लगातार बहता रहता है उनमें विटामिन के की कमी होती है, क्योंकि जो विटामिन के होता है वो खून का थक्का जमाने का काम करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो खून है उसमें छोटे छोटे प्रोटीन तत्व होते हैं जो कि शरीर से बाहर निकलते ही सूखने लगते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार खरोच आने पर, चोट लगने पर कुछ समय के बाद वहां पे एक सख्त पपड़ी बन जाती है, हमारा जो खून है वहां पे सूख जाता है। तो जो वो सूखा हुआ पदार्थ है वो हमारे ब्लड के अंदर का एक प्रोटीन है जो कि विटामिन के कारण बनता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के नहीं होगा तो हमारे ब्लड में वो है प्रोटीन भी नहीं होगा जो कि खून को बहने से रोकता है। आठवां प्रश्न है, टूथब्रश कब बदलना चाहिए। तो नॉर्मली जो टूथब्रश होता है वह 2 से 3 महीने के अंतराल में बदल देना चाहिए। 9वां प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन ब्रश नहीं करता है तो दांतों पर क्या जमा हो जाता है। तो हमारे दांतों के ऊपर एक पीले रंग की परत जम जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 10वां प्रश्न है, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर के फलों की कटाई की जाती है। तो आजकल बाजार में जो है डिब्बों में बंद जो है फूड आते हैं, चाहे टमाटर का सूप है, टमाटर की चटनी है या फिर टमाटर का रस है। तो उसके लिए जो टमाटर चुने जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो वो जो टमाटर होते हैं वो आधे पके हुए गुलाबी अवस्था के टमाटर होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। थोड़े से कच्चे जो टमाटर होते हैं उनको जो है तो से लेके आया जाता है और फिर उनको डिब्बों में बंद किया जाता है, क्योंकि जो ज्यादा पके हुए टमाटर होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। 11वां प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा की इकाई क्या है। यानी कि हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें ऊर्जा की जो इकाई है उसको हम किस में मापते हैं, उसको हम मापते हैं कैलोरी से, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। 12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 से 7 दिसंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 13वां प्रश्न है, गलत दिशा में उत्पाद के प्रवाह को रोकने के लिए निम्न में से किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो वहां पे इस्तेमाल होती है चेक वाल्व, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1974 में यह अधिनियम पास हुआ था। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ तरल आहार है? तो सबसे स्वच्छ जो तरल आहार है वो होता है नारियल पानी, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न है, मूत्रालयों से निकलने वाले जल को क्या कहते हैं? तो मूत्रालयों से जो पानी निकलता है, जो जल निकलता है, उसे ब्लैक वाटर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। 17वां प्रश्न है, सेप्टिक टैंक का आकार कैसा होता है? तो जो सेप्टिक टैंक होते हैं वो आयताकार आकृति के होते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, इस तरह से एक आयत होता है, वैसे ये वर्ग बन गया, इसके बीच में एक जो है दीवार होती है, इस तरह से ये एक बॉक्स की तरह होता है। इसमें क्या होता है, जो शौचालय होता है उसका मल इसके अंदर इस तरह से एक साइड से पाइप से जाता है, पहले वाले बॉक्स में गिरता है, और यहाँ पे जो मैंने आपको दीवार बताई है इसमें कुछ छेद होते हैं, जिससे जो ठोस मटेरियल है वो पहले वाले गड्ढे में रहता है और दूसरे वाले गड्ढे में सिर्फ पानी जाता है। इसके बाद यहाँ पे बाहर एक और पाइप होता है जिसमें से सिर्फ द्रव निकलता है। तो जो शहरी इलाका होता है जहाँ पे सीवर वगैरह होते हैं वहाँ पे तो क्या होता है, इसको डायरेक्ट सीवर से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण एरिया होते हैं वहाँ पे यहाँ पे एक कुई खोद दी जाती है, एक कुई जिसे सॉकपिट कहते हैं। ये क्या करती है, ये सारा पानी इसके अंदर जाता है और ये सारा पानी जमीन के अंदर सोख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको इस ई बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ई बुक ITI के हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको 600 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। इस ई बुक में आपको उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके HSI के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ई बुक सिर्फ ITI के ही नहीं बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। इसके अलावा इसमें 2018, 19 और 21 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनके प्रश्नों को भी दिया गया है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस ई बुक को लेने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगला प्रश्न है, औद्योगिक और अस्पताल के कचरे को खतरनाक माना जाता है क्योंकि उनमें डैश हो सकता है। तो उद्योगों और अस्पताल का जो कचरा होता है उसमें कुछ जहरीले पदार्थ भी हो सकते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वो विषैले हो सकते हैं। 19वां प्रश्न है, आकृति के अनुसार ट्रैप्स के प्रकार होते हैं। तो आकृति के जो अनुसार ट्रैप होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ये होते हैं P, Q और S आकृति के ट्रैप, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक P आकृति का ट्रैप है, ये Q आकृति का है और ये वाला जो ट्रैप है ये S आकृति का है। ये ट्रैप शौचालय में जो WC सीट होती है उसके अंदर लगाया जाता है। इसमें एक वाटर सील होती है, इस तरह से पानी भरा होता है जिसमें से जो सीवर की गंदी गैसें होती हैं वो घरों में प्रवेश नहीं करती हैं। 20वां प्रश्न है, डैश हवा की आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। तो हवा में जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। 21वां प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो अध जले ईंधन से पैदा होती है और ज्यादातर ये गाड़ियों से भी निकलती है। तो ये जो गैस होती है ये क्या करती है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देती है। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, क्योंकि हमारा जो रक्त है, जो हीमोग्लोबिन है, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है हमारे शरीर के अलग अलग अंगों तक। लेकिन जब कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है तो उस हीमोग्लोबिन की दोस्ती ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से ज्यादा अच्छी होती है, तो वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जो है शरीर में ले के जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों के दिनों में बंद कमरे में जो अंगीठी होती है उसको सुलगती अवस्था में रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और इसी वजह से सर्दियों में ज्यादातर लोगों की जो मृत्यु होती है बंद कमरों में वो अंगीठी के कारण होती है। 22वां प्रश्न है, खाइयों में दफनाने से जुड़े कचरे के निपटान की विधि को डैश कहा जाता है। तो गड्ढों के अंदर जो कचरा डाला जाता है और फिर उसको दबाया जाता है, तो उस विधि को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कंपोस्टिंग, यानी कि हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, खाद बनाना। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस त्योहार पर लोग अपने घर को दियो, मोमबत्तियों, बल्बों और रंगोली से सजाते हैं? तो दिवाली के समय जो है लोग अपने घर में दिए, मोमबत्तियां और बल्ब लगाते हैं, तो उस समय ये चमक दमक होती है। और जो रंगों का त्योहार होता है वह होली को कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं? तो भारत में 3 जो है मुख्य राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला है गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को आता है, दूसरा है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, और तीसरा है गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं वो उन्हें कहा जाता है जिन्हें पूरा देश एक साथ मिलकर के मनाता है। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का उपयोग विकिरण खतरे के लिए किया जाता है? रेडिएशन का जो खतरा होता है उसके बारे में बताने के लिए जो सिंबल होते हैं वह बैंगनी रंग के होते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है, उनका रंग पर्पल कलर होता है। 26वां प्रश्न है, स्वास्थ्य निरीक्षक की भूमिका क्या है? तो जो एक हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है उसका मुख्य काम क्या है? वह एक सलाहकार की तरह काम करता है, वह लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करता है, उनको बताता है कि उनको किस तरह से स्वस्थ रहना है, किस तरह की गलतियां नहीं करनी है। अगला प्रश्न है, संचार के पुराने साधन कौन से हैं? तो पुराने समय में जो कम्युनिकेशन होता था, लोगों को एक मैसेज दिया जाता था, वो प्ले नाटक के माध्यम से दिया जाता था, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। जैसे पुराने समय में गांव में जो है सांग होते थे, जैसे आज के समय में रामलीला होती है, इसी प्रकार से जो है प्ले होते थे जिससे लोगों को एक मैसेज दिया जाता था। इसके अलावा जो समाचार पत्र है, टीवी है, इंटरनेट है, ये सब आज के आधुनिक युग के संचार के कम्युनिकेशन के साधन हैं। 28वां प्रश्न है, भारत में मृत्यु दर का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? भारत में ज्यादातर जो मृत्यु होती है वह हृदय संबंधी रोगों की वजह से होती है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। 29वां प्रश्न है, टीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो जो टीबी रोग होता है जिसे अक्षय रोग भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। 30वां प्रश्न है, HIV का पूर्ण रूप क्या है? HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वह कमजोर हो जाता है। 31वां प्रश्न है, AIDS का पूर्ण रूप क्या है? तो AIDS की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन खराब होने का संकेत है? ऑप्शन दिए गए हैं, अप्रिय गंध, रंग में परिवर्तन, बनावट में बदलाव। तो जब भोजन खराब होने लगता है तो किस तरीके से हम उसकी पहचान कर सकते हैं? तो ये तीनों सिंबल हो सकते हैं ये पहचान करने के कि भोजन खराब हो रहा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 33वां प्रश्न है, FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? तो FSSAI का पूर्ण रूप है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह संगठन भारत में खाद्य उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, जो कि पैकिंग वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए मानक तैयार करते हैं कि जो वो चीजें बना रहे हैं उनसे लोगों के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो पानी से फैलने वाली जो बीमारी है वो है हैजा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। 35वां प्रश्न है, कीटाणु शोधन के बाद पीने के पानी में आदर्श क्लोरीन अवशिष्ट सीमा क्या है? पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है, उसके अंदर कीटाणुओं को मारा जाता है, तो उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। तो क्लोरीन मिलाने की जो लिमिट है वो कितनी है? तो वह जो लिमिट होती है वह 0.1 से लेकर के 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक होती है। तो इतनी मात्रा में हम पानी में जो है क्लोरीन मिला सकते हैं। 36वां प्रश्न है, भारत में पेयजल गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो पेयजल से संबंधित जो मानक तैयार होते हैं, जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, वह बनाता है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा कि जो RO वाटर सप्लाई करने वाले लोग होते हैं, कई बार उनका जो प्लांट होता है वहाँ पे छापा पड़ जाता है, तो उनको भी डर रहता है क्योंकि जो RO वाटर होता है उसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जो कि BIS के द्वारा तय किए जाते हैं कि उस पानी में कौन कौन से मिनरल होने चाहिए। 37वां प्रश्न है, पीने योग्य पानी के भंडारण के लिए अनुशंसित तापमान क्या है? तो पीने योग्य जो पानी होता है उसका जो तापमान है वह कितना होना चाहिए जिससे कि उसकी क्वालिटी बनी रहे अच्छी अवस्था में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में वह पानी होना चाहिए। 38वां प्रश्न है, स्वास्थ्य स्वच्छता निरीक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होना चाहिए? तो कम से कम वह 10वीं पास होना चाहिए, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ITI में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कर सकते हैं और स्वास्थ्य स्वच्छता निरीक्षक बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, जो मलेरिया है, जो डेंगू है और जो चिकनगुनिया है, ये तीनों बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैलाई जाती हैं। 40वां प्रश्न है, संचारी रोगों को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग सकती हैं, एक दूसरे का झूठा खाने से, एक दूसरे को टच करने से, तो इस तरह के जो रोग होते हैं उनको हम किस तरह से रोक सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इन सभी नियमों को अगर हम फॉलो करते हैं, अगर हम अपने हाथों को बार बार धोते हैं, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकते हैं, या फिर बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचते हैं, तो हम संचारी रोगों को फैलने से रोक सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।